आप क्या मेरे से जवाब चाहते हो कि भाई मैं ना एक लड़की हूं और मेरे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं और मैंने ये लड़का पसंद कर लिया, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मुझे तो उसी से शादी करनी है, मुझे उससे प्यार है। ये प्यार वर्ड पता नहीं कहां से आ गया। What do you mean by प्यार? प्यार की डेप्थ को तो पहले समझो कि व्हाट इज प्यार। प्यार इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, मिले जुम्मा जुम्मा अभी चार दिन हुए और बड़ा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, प्यार है मुझे तो उससे, और घर वाले मना कर रहे हैं बेस्ड अपॉन सम लॉजिक। उस लॉजिक को हम नहीं समझ रहे हैं, बस घर वालों को ब्लेम कर रहे हैं। अब अगर घर वालों ने आपको बोल भी दिया ना जा तू कर ले, जा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो रोते हुए चार दिन बाद आप घर पर फोन कर रहे होंगे। ये चीजें मैंने बहुत देखी है लाइफ में, उसके बेस पे आपसे बात कर रहा हूं। इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड अपॉन राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज राइट अंडरस्टैंडिंग? बाय लुकिंग एट अ सिचुएशन फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स, नॉट जस्ट फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड एक पर्सपेक्टिव है ना। रियलिटी को भी देख करके, समझ करके कि मैं सिंगर बनने का सोच तो रही हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरी हालत क्या है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या है, और ये इंडस्ट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि आप बात कर रहे हो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की। यहां पर कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आपने गार्डनिंग करी या नहीं करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंगिंग सीख ली 5 साल तक, उसके बाद भी आपको काम ही नहीं मिला, तो करोगे क्या? रोटी कहां से खाओगे? क्या करोगे? ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ तभी अच्छी लगेंगी जब पेट भरा हुआ होगा। अगर अभी आपकी जेब में पैसा नहीं है, पेट खाली है, तो कहां ये बातें, क्या करोगे? बातें खाओगे क्या? रहने के लिए घर भी चाहिए, उसका अपना खर्चा है, ये है वो है, सब कुछ है। तो अब पॉइंट होता है अब क्या करें? अब जो घर वाले कह रहे हैं वो करें? नहीं, आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझना। पहले अपनी लाइफ का जो एक सेंटर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है। दैट हैज टू बी हैप्पीनेस, दैट हैज टू बी सेटिस्फैक्शन, नॉट नेम फेम मनी। वो अगर उसके बेस, क्योंकि मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज हिट कर रहा हूं क्योंकि 99% चांसेस ये है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे होगे वो ले रहे होगे अपने नेम फेम मनी के बेस पे, नॉट बेस्ड अपॉन दिस। तो अब आपको क्या जवाब मिलेगा? आप कहोगे हाँ सिंगिंग मेरा पैशन है। घर वाले क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सीए कर लो, सीए करके क्या होगा? एक सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगी। सिंगिंग में मैंने अपने आपसे सच बोला कि मुझे पता है कि मेरा जो बेसिक नेचर है वो क्या है। मैं कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हूं कि मैं पागलों की तरह सुबह से रात तक रियाज करूं। हर एक का अपना बेसिक नेचर भी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो वो 5 साल तक रोज सुबह जाएंगे, उठेंगे और जाकर के जिम में मिलेंगे आपको। आप अगर अपने आप से सच बोलोगे तो आप कहोगे यार मैं 5 दिन भी नहीं जा पाती। समझ गए? तो आपको क्या नजर आएगा यहां से कि मैं कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हूं पागल या पैशनेट के, मतलब मैं अगर कोई डिसीजन लेती हूं तो मैं उस पर स्टिक रहती हूं। तो आपको ये भी समझ आ गया। और सिंगिंग में एंटर करने के लिए अगर यहां पर जाना है तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब डेली सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे रियाज करना है तो करना ही है। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप समझ गए ना? तो आपने अपने आप से सच बोला बेस्ड अपॉन अपना सारा पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे, यार मैं इतनी कोई ज्यादा वो नहीं हूं। मैं ऊपर ऊपर से तो बोल रही हूं अपने घर वालों को, अगर घर वालों ने कह भी दिया ना जादू कर ले तो मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या करूंगी। आप समझ गए? मुझे खुद ही नहीं पता, मैं घर वालों के ऊपर ब्लेम तो डाल रही हूं, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना मुझे करना है तो घर वाले बीच में नहीं आएंगे। अगर आपको खुद को अंदर से हो कि नहीं मेरी तो आवाज अरिजीत सिंह जैसी है, तो फिर कौन रोकेगा आपको? ना घर वाले रोकेंगे, ना आप खुद अपने आप को रोकोगे। घर वाले खुद ही कहेंगे हां चल जा, जो करना है कर ले। इसका मतलब बीच में फंसे हुए, ना आप इधर हो ना आप उधर, ना तो बिल्कुल ही बेकार सिंगर हो। अगर वो होते तब भी ये थॉट माइंड में नहीं आता कि मेरा ये टैलेंट है। मतलब हुआ क्या है, कहीं पे स्कूल में थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, आपको 3rd prize मिल गया है, बट है ना स्कूल में भी ज्यादा हो गया, क्लास के अंदर 40-50 बच्चे होते हैं वहां पर कुछ मिल गया है, उसके बेस पे आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हो, अपनी पूरी लाइफ का एक डिसीजन। तो किस तरह से सोचना है? पहले अपने आपको सच बोला। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे? मैं कोई ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। आपने अपने आप को समझा, आप किसको समझ रहे हो? खुद को समझ रहे हो। आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, मैं कैसे समझूंगा? आपको पता है ना आपका बेसिक नेचर क्या है, उसी के बेस पे आपको एक्ट करना है तो आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे अपने आप को आपने समझा, आपने कहा हाँ यार मुझे समझ तो आ रहा है पूरा खेल, तो मुझे समझ आ रहा है कि टैलेंट तो है मेरे में सिंगिंग का, बट ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपना प्रोफेशन बना लूं, ये शौक है। या आपने अपने आप से सच बोला, ये नहीं है कि वो बंदा है उसने जॉब करके ये किया, अपने पैशन के हिसाब से चला और वो सिंगर बन गया। क्योंकि हर कोई सक्सेसफुल होने के बाद ऐसी बातें करता है कि मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी और मैंने ये किया और आज देखो मैं कहां हूं।
कि तुम्हें भी अगर होना है तो आप कहोगे हाँ यार मेरे भी अंदर से आ तो रहा है। समझ गए ना, ऐसा फील होने लग जाता है, आप अपने आप को उससे रिलेट कर लेते हो। आप क्या कर रहे हो, आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, वो अलग कैरेक्टर है, आप अलग हो, आप खुद को नहीं देख रहे हो, आप उसको देख के उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मछली ने ऊपर आसमान में पंछी को देखा और उड़ने में कितना मजा आता है, अबे तू उड़ने के लिए बनी ही नहीं है, पहले समझ तो सही इसका मतलब क्या है, कि तू उससे कम है? अरे नहीं, ना तू उससे ज्यादा है ना तू उससे कम, तेरी अपनी अलग लाइफ है, उसकी अपनी अलग लाइफ, तेरी अपनी अलग मस्ती है, उसकी अपनी अलग मस्ती है। समझ गए ना? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपने अपने आप से सच बोला, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उस एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हो अपनी सारी की सारी चीजों को। आपने कहा यार ये तो मेरा शौक है, ये जो सिंगिंग का है ये मेरा शौक है, तो इस शौक को तो मैं साथ साथ में पूरा कर सकती हूँ, डेली एक घंटा गाना है, क्या दिक्कत है? और मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं, सीए कर लो। क्यों कह रहे हैं सीए कर लो, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। हो सकता है आपके पापा खुद सीए हो और उनकी कहीं पे कोई सेटिंग हो कि जहां पे आपको जॉब तो मिली जाएगी, होता है नहीं होता है, माँ बाप डॉक्टर है तो कहेंगे बेटे को बेटे चल तू डॉक्टर ही बन जा, और हम क्या करते हैं, मेरे सेशंस देखे इमीडिएटली बस उनके अगेंस्ट ही हो गए, दिमाग नहीं लगा रहे क्योंकि मैं अपने हर सेशन में बात क्या कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, बट अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है ना, दिमाग भी लगता है, मैकेनिकल थिंकिंग वहां पे काम नहीं आती है, रोबोट की तरह आप नहीं सोच सकते, आपको अपनी लाइफ को समझना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने होंगे, तो वो लोग नहीं करते हैं। बस क्या किया, मेरे सेशंस को देखा, माँ बाप दोनों डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। जबरदस्ती, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, क्या बुराई है डॉक्टर बनने में? तो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि यार मेरे घर वाले जो है वो मेरे को, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे को सीए करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस फील्ड में है पिछले 25 साल से, या हमारे एक रिलेटिव है वो मान लो किसी बड़ी जो टॉप 5 जो ये ऑडिट फर्म्स हैं उसमें से, जो बिग 4 है उसमें कहीं पर है और बहुत अच्छी पोजीशन में है, और वो क्या कह रहे हैं, तू टेंशन मत ले, तू कर रही है, मैं यहाँ पे तेरा करवा रहा हूँ एज एन इंटर्न, तो तू यहाँ पे लगी जाएगी, मतलब एक सेफ एंड सिक्योर एक ऑप्शन है। तो अब पॉइंट ये आता है, अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ये करो या वो करो, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अपने आप को समझ करके फिर ये डिसीजन लेना है, मेरे कहने पे नहीं लेना, अपने घर वालों के कहने पे नहीं लेना, उस सिंगर के कहने पे नहीं लेना जो सिंगर कुछ खुद तो बन गया है और आकर के आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इन तीन बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, अगर कभी भी ध्यान से अपने डिसीजन को देखोगे, या तो आप मेरे सेशन को सुन करके चार्ज अप हो गए, एक्साइटेड हो गए और एकदम से डिसीजन ले रहे हो, या जो बनना चाहते हो उसमें जो आपका आइडल है उसकी बातें सुन करके डिसीजन ले रहे हो, या अपने घर वालों से आपका पंगा है उनके अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो, आप कह रहे हो मुझे नहीं पता मुझे क्या, मतलब वो नहीं करोगे जो आप कह रहे हो, ये तीनों ही रास्ते गलत है। आपको क्या करना है, खुद को आराम से बैठ करके समझना है। आपने कहा यार मैं ना, मेरा जो बेसिक नेचर है मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, मैं मस्त टाइप की, हर एक अपना नेचर भी तो होता है ना, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रेस भी बड़ा चाहिए होता है, ये याद रखना, जितना बड़ा कुछ करने का सोचोगे स्ट्रगल भी उतनी ही बड़ी होगी, स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा होगा, मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी, जितने बड़े पहाड़ पे चढ़ोगे उतना ही ज्यादा हार्डवर्क भी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो हंसने खेलने वाली हूँ, अपना आराम से चिल्ड आउट रहती हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी हूँ, तो सीए करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकती हूँ, और साथ में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कह ही रहे हैं कि आगे यहाँ पे सारा कुछ है तो वहां पे भी वो कर देंगे, बात रही सिंगिंग की तो मैं अपनी सिंगिंग पे पूरा ध्यान दूंगी, डेली एक घंटा दो घंटा सीखती रहूंगी, साथ साथ में ट्राई करती रहूंगी, क्योंकि सिंगिंग में ट्राई करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं डेली एक या दो घंटा निकाल करके अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती रहूं और फिर अगर मेरे में सच में टैलेंट है ऐसा मुझे लग रहा है तो मैं जाऊं वहां पर जहां पर टैलेंटेड लोग आए, ऐसे किसी कॉम्पिटिशन में जाऊं और जाकर के आजमाऊं अपने टैलेंट को, तो अगर टैलेंट में दम होगा तो सीए पीछे छूट जाएगी, टैलेंट आगे निकल जाएगा, समझ गए ना, और अगर वो नहीं हुआ तो सीए भी कोई बुरा थोड़ी है करना, सीए में बुराई क्या है, क्या इस दुनिया को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं है, क्या बिना सीए के दुनिया चल सकती है, क्या वो बुरा प्रोफेशन है? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है वो सीए है, उसके साथ में मैं बैठता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है सारी बातें करने में, मतलब उनकी जो नॉलेज होती है ना, मतलब फाइनेंस की, टैक्सेशन की, ये वो, तो इंटरेस्ट के ऊपर है,